हिल स्टेशन, जहाँ का खुशनुमा मौसम, ठंडी हवाएं और चारों तरफ फैली प्राकृतिक सुंदरता हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करती है। आज मैं आपको भारत के सबसे खूबसूरत और विश्व प्रसिद्ध 10 हिल स्टेशन दिखाने जा रहा हूँ, जहाँ लोग देश विदेशों से छुट्टियाँ मनाने के लिए आते हैं। मसूरी उत्तराखंड राज्य के देहरादून से 35 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस जगह का नाम यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पाए जाने वाले पौधे मंसूर से लिया गया है। यह पर्यटन स्थल स्टेशन हिमालय पर्वतमाला के मध्य हिमाचल श्रेणी में पड़ता है। मसूरी को पर्वतों की रानी भी कहा जाता है। यहाँ से उत्तर में हिममंडित शिखर और दक्षिण में शिवालिक पर्वतमाला का नज़ारा देखते ही बनता है। गर्मियों में यहाँ का मौसम सुहाना रहता है और सर्दियों में यहाँ पर बर्फबारी का आनंद भी लिया जा सकता है। अगर आप भी यहाँ आने की सोच रहे हैं तो कैंपटी फॉल, मसूरी झील, लाल टिब्बा, ज्वाला देवी मंदिर, नाग देवता मंदिर देखना ना भूलें। यह सब यहाँ बहुत ही खूबसूरत है। श्रीनगर जम्मू कश्मीर राज्य का सबसे बड़ा शहर है। श्रीनगर की सुंदरता का कोई जवाब नहीं। कश्मीर के बारे में बिल्कुल सही कहा गया है कि अगर इस धरती पे कहीं जन्नत है तो वो कश्मीर में ही है। जी हाँ, ये जगह इतनी खूबसूरत है कि कोई भी इसे देख के मंत्रमुग्ध हो जाएगा। यह एक ऐसा शहर है जिसमें प्राकृतिक सुंदरता कूट कूट के भरी पड़ी है। यहाँ चारों तरफ हरी भरी वादियाँ, बर्फ से ढके पहाड़, सुंदर झीलें, धार्मिक स्थान, वाटर हाउस, बोट ऐसा एहसास करवाते हैं जैसे हम सपनों की दुनिया में आ गए हों। यकीन से कह सकता हूँ कि जब आप यहाँ आएंगे तो आपका दिल वापस जाने का बिल्कुल नहीं करेगा। अगर आप यहाँ आते हैं तो गुलमर्ग, सोनमर्ग, पहलगाम और पटनी टॉप जैसी जगहों में जाना ना भूलें। यह सफ़र आपके जीवन का सबसे यादगार सफ़र बन जाएगा। माउंट आबू राजस्थान का एकमात्र पहाड़ी नगर है। इस शहर का प्राचीन नाम अरबुतांचल था। इस शहर पर साक्षात भगवान शिव ने भील दंपति आहूजा को दर्शन दिए थे। यह अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर, जैनियों का प्रमुख तीर्थस्थान तथा राज्य का ग्रीष्मकालीन शैलावास भी है। अरावली श्रेणियों के अत्यंत पश्चिम दक्षिण पश्चिम छोर पर ग्रेनाइट शैलाओं के एकल पिंड के रूप में स्थित आबू पर्वत पश्चिमी बनास नदी के लगभग 10 किलोमीटर संकरी घाटी द्वारा अन्य श्रेय पृथक हो जाता है। पर्वत के मध्य में संगमरमर के दो विशाल जैन मंदिर हैं। राजस्थान के सिरोही जिले में स्थित अरावली की पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी पर बसे माउंट आबू की भौगोलिक स्थिति और वातावरण राजस्थान के अन्य शहरों से भिन्न व मनोरम है। दार्जिलिंग समुद्र तल से लगभग 2134 मीटर की ऊंचाई पर कंचनजंगा पर्वत श्रेणी की गोद में बसा दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल का एक खूबसूरत शहर है। दार्जिलिंग शब्द का अर्थ दुर्जय ब्रज और लिंग स्थान, जिसका अर्थ होता है ब्रज का स्थान। दार्जिलिंग अपने मनमोहक वातावरण, हरे भरे पहाड़ और चाय के बगानों के लिए दुनिया भर मशहूर है। दार्जिलिंग ब्रिटिश शासनकाल से खूबसूरत पर्यटन स्थल के रूप में जाना जाता रहा है। यहाँ की खूबसूरत वादियाँ सैलानियों को अपनी ओर आकर्षित करती हैं, इसलिए हर साल देश के लाखों की संख्या में पर्यटक दार्जिलिंग घूमने के लिए आते हैं। दार्जिलिंग कभी सिक्किम का हिस्सा हुआ कर 1935 में अंग्रेजों ने इसे हिल स्टेशन की तरह विकसित किया और चाय की खेती और दार्जिलिंग हिमालय रेलवे की स्थापना अंग्रेजों के द्वारा भी किया गया। यहाँ के मशहूर पर्यटन स्थल है घूम मोनेस्ट्री, रॉक गार्डन, ऑब्जर्वेटरी हिल और जैपनीज टेम्पल। जब भी आप यहाँ पे आए तो इन चीज़ों को जरूर विजिट करें और अपना यहाँ का ट्रिप मेमोरेबल बनाएं। और समुद्र तट से लगभग 1600 मीटर ऊपर स्थित यह हिल स्टेशन कभी दक्षिण भारत में ब्रिटिश सरकार की गर्मियों का विश्राम स्थल हुआ करता था। तीन पहाड़ी धाराएं मुत्रापूजा, नथलथनी और कुंडला जहां मिलती हैं वहां मुनार का उदय होता है। बेहतरीब फैले हुए चाय के बगान, तस्वीर से दिखते नगर, बहती हवा से सड़कें और छुट्टी मनाने की विभिन्न सुविधाएँ इसे लोकप्रिय रिजॉर्ट वाला शहर बनाती हैं। यहाँ के जंगलों और घास के मैदानों में पाए जाने वाली विशेष वनस्पति नीला कुरुंजी है। ये नीला फूल 12 वर्षों में एक बार खिलता है। अगर अगली बार
मुन्नार आने का सबसे अच्छा तरीका है, या तो आप स्टेशन से, रेलवे स्टेशन, या फिर एयरपोर्ट से आ सकते हैं। एयरपोर्ट से यहाँ की दूरी लगभग 108 किलोमीटर दूर है, और यहाँ का जो नज़दीकी रेलवे स्टेशन है आलुवा है, जो यहाँ से 109 किलोमीटर दूर है। मनाली। मनाली भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य के कुल्लू ज़िले में स्थित एक नगर है। यह 1950 मीटर की ऊंचाई पर ब्यास नदी के किनारे कुल्लू घाटी की उत्तरी छोर पर बसा हुआ है। मनाली राज्य की राजधानी शिमला से 270 किलोमीटर दूर उत्तर में चंडीगढ़ से 309 किलोमीटर की दिशा में पड़ता है। मनाली, मनाली बहुत ही सुंदर एक पर्यटक स्थल है। मनाली के प्रमुख पर्यटक स्थल हैं मणिकरण, जो कुल्लू से करीब 45 किलोमीटर, सोलांग वैली मनाली से 13 किलोमीटर, रहना झरने, हिडम्बा देवी मंदिर और नागर किला है। जब भी आप यहाँ आए तो इनको विजिट करना ना भूलें। भारत के एक प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है। यह प्रकृति द्वारा उपहार में दी गई कई खूबसूरत जगहों से संपन्न है। यहाँ कई शानदार स्थल हैं जो पर्यटकों के द्वारा बार बार दौरा किया जाता है, इसलिए ऊटी भारत का सबसे अधिक यात्रा किया जाने वाले शहरों भी है। यहाँ व्यापक चाय और कॉफ़ी के बगान, खूबसूरत झरने, हरी भरी पहाड़ों की चोटियाँ, बहती नदी और प्रकृति झीलों, साथ ही लंबे शहर से प्राकृतिक पर्यटकों के लिए छुट्टी मनाने सबसे श्रेष्ठ जगह रहा है। यह आपको मुर्गन टेंपल, डॉल्फिन नोस, डियर पार्क, एमराल्ड लेक, हिंदी रोज गार्डन, हिंदी पाइकन वाटरफॉल यहाँ के प्रमुख स्थल हैं। जब भी आप यहाँ पे जाएं तो इन जगहों को जरूर विजिट करें, ताकि आपका ट्रिप मेमोरेबल बने और हमेशा आपकी डायरी में लिखा जाए। नैनीताल। नैनीताल उत्तराखंड के सबसे खूबसूरत पर्यटन स्थलों में से एक है, जो कुमाऊं पहाड़ियों के बीच में स्थित है। ये एक विलक्षण पर्वतीय स्थल है, जिसे एक अनोखे आकार की झील के चारों ओर बनाया गया है, जिसे हम नैनी झील के नाम से जानते हैं। नैनीताल अपने खूबसूरत परिदृश्य और शांत वातावरण के कारण पर्यटकों के बीच स्वर्ग के रूप में जाना जाता है। प्राकृतिक सुंदरता में झीलों के रूप में प्रसिद्ध नैनीताल में बर्फ से ढकी पहाड़ियों और झीलें हैं। समुद्र तल से 1938 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित नैनीताल में पूरे साल एक सुखद जलवायु होती है। यदि आप नाव की सवारी पर नहीं जाना चाहते तो आप नैनीताल में के पहाड़ी इलाके जैसे नैना पीक, टिफिन टॉप, स्नो व्यू पॉइंट, केव पॉइंट आदि पे जा सकते हैं, और नैनीताल की यात्रा की योजना बनाने वाले यात्री हनुमानगढ़ी की यात्रा भी कर सकते हैं, जो हिंदू भगवान हनुमान को समर्पित एक मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा नैना मंदिर एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है, जिसे भारत के 51 शक्तिपीठों में गिना जाता है। शिमला उत्तर भारत के सबसे लोकप्रिय हिल स्टेशन में से एक है, जो हिमाचल प्रदेश की राजधानी है। शिमला अपने मॉल रोड, ब्रिज, टॉय ट्रेन, उपनिवेश वास्तुकला के लिए पूरे देश में जाना जाता है। 2200 मीटर की ऊंचाई पर स्थित शिमला देश के सबसे खूबसूरत पर्यटन स्थलों में से एक है, जो हनीमूनर्स के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। ब्रिटिश भारत की पूर्ववर्ती ग्रीष्मकालीन राजधानी से प्रसिद्ध यह शहर अपने प्राकृतिक सुंदरता और वातावरण की वजह से किसी भी पर्यटक को दोबारा यहाँ आने पर मजबूर कर देता है। शिमला के ऐतिहासिक मंदिर के साथ साथ यहाँ की उपनिवेशिक शैली की इमारतें दुनिया भर से आने वाले पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षण का मंत्रमुग्ध कर देती हैं। यदि आप शिमला आ रहे हैं तो यहाँ मॉल रोड, रिज, इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज और जाखू मंदिर जरूर घूमने के लिए जाएं। कालका से शिमला के लिए चलने वाली टॉय ट्रेन यहाँ की कई खूबसूरत पहाड़ियों और घाटियों से होकर गुजरती है। अल्मोड़ा। उत्तराखंड में बसा एक पर्वतीय नगर जो उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल में आता है। अल्मोड़ा शहर के बीच एक कोसी व सोयाल नदी बहती है, जो इसके आकर्षण का मुख्य केंद्र है। अल्मोड़ा अपने शांत वातावरण के साथ कहीं कहीं एडवेंचर के लिए भी जाना जाता है। यहाँ वाइल्ड लाइफ के अलावा आपकी धार्मिक भावना से जुड़े हैं तो आप यहाँ कई सारे मंदिर हैं जिसका आप दर्शन करने आ सकते हैं। नवनिर्माहित जोड़े के लिए हनीमून के लिए भी बेस्ट हिल स्टेशन है। अल्मोड़ा का चर्च भी कई साल पुराना है। यह चर्च ब्रिटिशकालीन है और यह चर्च इस नगरी की खूबसूरती में चार चांद लगा देता है। और अल्मोड़ा की बाल मिठाई देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी मशहूर है। भिलाई बाल मिठाई के अलावा यहाँ की अन्य मिठाई भी अत्यधिक स्वादिष्ट और अच्छी होती हैं।